फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए एक अपडेट निकल कर आ गई जेई मेंस रिज़ल्ट और फाइनली आंसर की को लेकर। दोस्तों यह अपडेट एकदम ऑफिशियल अपडेट है। इस अपडेट के बाद आपको यह तो 100% कंफर्म हो जाएगा कि जो जेई मेंस की रिज़ल्ट है वो इतनी डिले क्यों हो रही है। दोस्तों काफ़ी जगह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आप सभी को यह बताकर भ्रमित किया जा रहा है कि इस पर एनटीए ने जो स्कैम हुआ है उस पर जांच बैठाई हुई है और उस जांच को पूरे होने के बाद ही फाइनली रिज़ल्ट आएगा। जिसमें भी उन्होंने फ्रॉड किया था इस एग्ज़ाम को उन सभी को इसमें से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद ही फाइनल जो है रिज़ल्ट और आंसर की जारी किया जाएगा। इसी को लेकर दोस्तों यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स की एक लेटेस्ट अपडेट आई है जिस अपडेट पर आपको 100% कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों इस बात की तो कोई भी पुष्टि नहीं है कि एनटीए रिज़ल्ट कभी भी जारी कर सकता है। ये तो एकदम ऑफिशियली है कि किस टाइम कब जारी होगा यह कोई भी नहीं जानता है। पर दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से आप सभी के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है निरीक्षण किया, पूरे तरह से एनालिटिक्स की, जिसको लेकर जो है यहाँ पर निर्णय उन्होंने बताया है कि जो जेई मेंस की रिज़ल्ट है उसको, जो सेशन 4 की जो रिज़ल्ट है, कम से कम उसमें दो या एक या दो दिन लगेगा। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि कन्फर्मली जो रिज़ल्ट आउट होने में कम से कम दो दिन का समय लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एनटीए वनीत जोशी, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के यहाँ पर हैं, उन्होंने इस चीज़ को बताया है क्योंकि रिज़ल्ट उम्मीदवारों को कम से कम एक या दो दिन के अंदर, यानी कि दोस्तों रिसेंटली आप मान सकते हैं कि जो आपकी रिज़ल्ट है वो पूरे तरह से जो है यहाँ पर जो है जांच के होने के बाद ही फाइनली आंसर जारी की जाएगी। तो ऑलमोस्ट दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन बता दिया गया। ऐसा इन्फॉर्मेशन दोस्तों क्यों बताया गया वो भी सुन लीजिए, क्योंकि जेई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह की जो है नोटिस पब्लिश हो रही थी कि लेटेस्ट अपडेट के लिए कभी भी जो है अपडेट मिल सकता है। दोस्तों फाइनली लॉग ऑलमोस्ट आपको यह अपडेट मिल चुका है कि जो यहाँ पर जेई एडवांस की रजिस्ट्रेशन होनी थी उसे यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों उस अपडेट का यही मतलब है और उसके बाद ही यह नोटिस यहाँ पर यह पब्लिश कर दी गई है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपको यह चीज़ तो 100% कन्फर्म हो गया कि जो आपकी अब जो रिज़ल्ट है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ जनरल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं वनीत जोशी द्वारा यह न्यूज़ कन्फर्म की गई है। ऑलमोस्ट दोस्तों एक से दो दिन आपको और यहाँ पर जो है जेई मेंस की रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों आंसर की आ जाए पर जो रिज़ल्ट है वो आपसे एक या दो दिन के बाद ही यहाँ पर जो है पब्लिश किया जाएगा। जैसे ही दोस्तों और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब अगले सो जय हिंद।